हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 14 टू 16 जून 2023 करंट अफेयर्स। देखिए, बीच में मेरे फ़ोन का कुछ इशू हो गया था, तो करंट अफेयर्स तो डेली साथ साथ में बनाने पड़ते हैं, तो वो नहीं मैं बना पाई। बट कुछ वीडियोस मैंने पहले से शेड्यूल रखी थी, तो वो जैसे कि आपकी वन लाइनर्स की हो गई या इकोनॉमिक्स की हो गई, वो पहले से बनाई थी, शेड्यूल की थी, तो वो अपलोड हो गई। अब करंट अफेयर्स का ऐसा रहता है ना कि साथ साथ में बनाने पड़ते हैं, जैसे सुबह उठ के बनाने पड़ते हैं, तो वो चीज़ नहीं हो पाई थी, तो इसलिए मैं अपलोड नहीं कर पाई। बट जो भी पॉइंट्स रह गए हैं, थोड़ा सा लेंथी होगा आज का वीडियो, मैं कवर करने की कोशिश करूंगी। प्लस कुछ पॉइंट्स अगर रहते भी हैं तो नेक्स्ट एक दो दिन में हम थोड़े ज़्यादा करंट अफेयर्स पढ़ के उनको कवर अप कर लेंगे, राइट? चलिए, फर्स्ट पॉइंट आता है गवर्नर ऑफ द ईयर एट सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स। तो देखिए, सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स ये एक सेरेमनी है जो कि लंदन में हुई है, ठीक है। वहां पे एक अवार्ड दिया गया है 2023 का, यानी इस साल की बात हो रही है, गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड। तो ये किसे दिया गया है, क्वेश्चन आपका ये है, तो वो शक्तिकांत दास, जो कि आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया का सेंट्रल बैंक है, उनके गवर्नर हैं, उन्हें दिया गया है। सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स मतलब डिफरेंट कंट्रीज के जो भी सेंट्रल बैंक हैं, वहां के गवर्नर्स, वहां के जो हायर प्रोफेशनल्स हैं, वो इस अवार्ड सेरेमनी में गए होंगे। अब यहाँ पे जो इंडियन सेंट्रल बैंक है आरबीआई, उसके गवर्नर को ये अवार्ड दिया गया है। नाउ ही इज द सेकंड गवर्नर टू बी ऑनर्ड विद दिस अवार्ड। अब ये दूसरे ऐसे गवर्नर बने हैं आरबीआई के जिन्हें ये अवार्ड मिला है, गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड। तो इससे पहले कौन थे? इससे पहले थे रघुराम राजन, जिन्हें ये 2015 में सेम अवार्ड मिला था, राइट? चलिए, सेकेंड न्यूज की तरफ देखते हैं, W20 समिट। अब W20 यानी कि ये G20 के अंदर एक समिट हुई है। अब W20 है क्या? Women 20, यानी वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड यहाँ पे बातें होंगी। अब देखिए, G20 की प्रेसिडेंटशिप इंडिया के पास है, इसलिए जितनी भी मीटिंग्स हैं उसके अंडर वो इंडिया में हो रही हैं। यहाँ पे जो W20 समिट है, महाबलीपुरम चेन्नई तमिलनाडु में हो रही है, विल बी वर्चुअली इनॉग्रेटेड बाय, वर्चुअली होता है कि ऑनलाइन जो है इसका उद्घाटन, इसका इनॉग्रेशन करेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। चीफ कोऑर्डिनेटर मतलब सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, सारा काम धाम देख रहे हैं, वो है धरित्री पटनायक। एंड थीम, W20 का थीम क्या रहा? वुमेन लेड डेवलपमेंट टू ट्रांसफॉर्म, थ्राइव एंड ट्रांसेंड। आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस G20 के अंदर काफी ज्यादा मीटिंग्स हैं जो आजकल हो रही हैं, ठीक है। तो बहुत सारी मीटिंग्स हम आज कल परसों पढ़ेंगे, क्योंकि टारगेट रखा है मैंने कि 2-3 दिनों में जो भी बचते हैं पॉइंट्स उन्हें कवर कर लूँ। वैसे मैक्सिमम मैंने आज कवर कर लिए हैं, ठीक है। थीम आपने देख लिया, याद रखना है सबमिट कहाँ हुई, याद रखना है फुल फॉर्म क्या है, याद रखना है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थर्ड पॉइंट की ओर चलती है। सो फोर्थ, टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग, फोर्थ मीटिंग हो रही है TWG की, टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की, कहाँ पे? गोवा में। ये भी अंडर G20, यानी G20 की प्रेसिडेंटशिप इंडिया के पास है, तो उसके अंडर ये मीटिंग हो रही है, राइट? फोर्थ पॉइंट अगर देखें तो यहाँ पे एक फेस्टिवल की बात कर रहे हैं, एन एग्रीकल्चरल फेस्टिवल, यानी खेती बाड़ी से संबंधित एक फेस्टिवल है, त्यौहार है, उड़ीसा में मनाया जाता है। शॉर्ट में इसे राज्य कहते हैं, अदरवाइज राज पर्व के नाम से जाना जाता है, मिथुआ संक्रांति के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से आए, आपको याद रखना है दैट दिस इज एन एग्रीकल्चरल फेस्टिवल ऑफ उड़ीसा, कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर, राइट? फिफ्थ पॉइंट देखिए तो यहाँ पे एक ऐप का जिक्र हो रहा है, अरुण पोल ऐप लॉन्च्ड बाय। तो अरुण पोल ऐप जो है किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है? तो यहाँ पे लेट मी करेक्ट इट, ये आएगा आपका अरुणाचल, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के सीएम के द्वारा ये लॉन्च की गई है, और इसकी जो फुल फॉर्म है वो है अरुणाचल पुलिस, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ा गलत हो गया यहाँ पे। जैसे अरुण है ना, तो अरुण स्टैंड्स फॉर अरुणाचल, पोल फॉर पुलिस, ठीक है। तो वैसे याद रखना है अगर आंध्र या अरुणाचल में कंफ्यूजन होता है, तो जो अरुणाचल प्रदेश के सीएम हैं उनके द्वारा ये ऐप लॉन्च की गई है, राइट। सिक्स्थ पॉइंट की ओर चलते हैं, 111th इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की लेबर कॉन्फ्रेंस का 111th एडिशन हुआ है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, जहां पे हर एक जो इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके मैक्सिमम हेडक्वार्टर्स यहां पे हैं, जैसे WHO हो गया आपका, है ना, ऐसे करके। तो अब वहां पे ये कॉन्फ्रेंस हुई है, इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस, एड्रेस पे भूपेंद्र यादव। अब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ते हैं, ILO हम पढ़ते हैं, तो हम पढ़ते हैं सबसे ओल्डेस्ट जो है वो इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, 1919 में बनी थी, हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, तो उसी के बेस पे ये कॉन्फ्रेंस हुई है, ठीक है जी। अब हम पहुंच गए हैं अपने सेवंथ पॉइंट की ओर, जहां पे हम एक इंडेक्स के बारे में जानेंगे। बट उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन फटाफट से प्रेस कर दें। चलिए, सेवंथ पॉइंट देखते हैं, ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, ग्लोबल लेवल पे स्लेवरी आप समझते हैं,
स्लेवरी, जैसे स्लेवरी जो स्लेव प्रथा है ये पहले होती थी कि जैसे जो बच्चे हैं या जो लड़कियां हैं उन्हें खरीद लिया जाता था, फिर उन्हें अपना दास बना के रखा जाता था, वो सारे जैसा मास्टर बोलेगा वैसे काम करते थे, है ना। तो हम पढ़ते भी हैं, कुछ नॉवेल्स भी हैं इसके ऊपर, मैंने पढ़ी है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, तो वैसे स्लेवरी के ऊपर कुछ नॉवेल्स भी हैं, बाकी हमने पढ़ा है, एंशिएंट पढ़ा है, मिडिवल पढ़ा है, तो काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको होगी। बट अब आज की जो मॉडर्न स्लेवरी है और जो उस टाइम की स्लेवरी है उसमें थोड़ा फर्क है, है ना। तो ये जो स्लेवरी इंडेक्स है वॉक फ्री के द्वारा ये रिलीज की गई है और इसके हिसाब से नियरली 2 in 3 पीपल लिविंग इन मॉडर्न स्लेवरी। मॉडर्न स्लेवरी होता है कि आपके पास पैसे नहीं है, आप कम उम्र में कहीं नौकरी कर रहे हैं और आपसे ज्यादा काम करवाया जा रहा है, पैसा कम दिया जा रहा है, तो इस तरह के बहुत सारे उसमें फीचर्स आते हैं, वो आप मॉडर्न स्लेवरी करके देख सकते हैं। यहाँ पे एक्चुअल में मॉडर्न स्लेवरी का ही बताया, यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है। तो रफली 3 में से 1 तो है ही है, पर कई जगह पे 3 में से 2 लोग जो है वो मॉडर्न स्लेवरी के अंडर है, ठीक है। ग्लोबल लेवल पे ये इंडेक्स जो है रिलीज किया गया है, फाइन। चलिए इसी के साथ हमारा फर्स्ट पेज हुआ कंप्लीट एंड अब ज्यादा बातें ना करते हुए सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। आज का 8th पॉइंट है साइक्लोन बिपरजॉय। अब ये साइक्लोन कहाँ पे है, देखिए साइक्लोन है, टाइफून है, विली विली है, ये सारे एक ही फिनोमिना है, एक ही प्रोसेस है, बट अलग अलग जगह में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है, तो वो मैंने ज्योग्राफी में बड़े अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है, राइट। तो अब साइक्लोन है बिपरजॉय, तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनर्स के बड़े फेवरेट होते हैं, ये साइक्लोन्स वाले क्वेश्चन हो गए, अपॉइंटमेंट्स होगी, स्पोर्ट्स होगी, ठीक है, तो इसको आपने अच्छे से याद रखना है। अब जो बिपरजॉय है, सबसे पहले इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डिजास्टर, ठीक है, इन बंगाली लैंग्वेज। सो ये जो साइक्लोन है अरेबियन सी में आया था, मैप पे देखें पहले कि अरेबियन सी कहाँ पे है। बहुत सारे बच्चे जो स्टार्टिंग में प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं उन्हें बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी में ही कन्फ्यूजन रहता है ना, तो वो कन्फ्यूजन आपके लिए नहीं होना चाहिए, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट साइक्लोन इन द अरेबियन सी ऑफ दिस ईयर, इस साल का पहला साइक्लोन है ये अरेबियन सी में, राइट। 9th पॉइंट की ओर चलते हैं, तो यहाँ पे हम कुछ स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स के बारे में पढ़ेंगे, कौन से बैंक ने लॉन्च किया है वो पढ़ेंगे, बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे, राइट, क्योंकि इतना जो है बैंकिंग वालों को इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम जो सिंपल स्टेट एग्जाम्स होते हैं उनमें नहीं पूछा जाता। सो यहाँ पे इनिशिएटिव की बात हो रही है, माय अकाउंट माय नेम इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस्ड बाय। सो ये जो इनिशिएटिव है इंट्रोड्यूस किया गया है कौन से बैंक के द्वारा, इंडियन ओवरसीज बैंक के द्वारा। इसमें आप अपने नाम के ऊपर जो है कुछ अकाउंट खुलवा सकते हैं, मतलब जो एग्जैक्टली आपका नाम है आपका अकाउंट नंबर भी कुछ वैसा वैसा रहेगा या कुछ डिजिट्स उसमें ऐड करेंगे, ऐसा कुछ है। 10th पॉइंट है विकास आशादीप 400 डे स्कीम। तो ये स्कीम 400 दिनों की है, इसमें जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो बाकी लोग हैं उनको अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 400 दिनों के लिए ये स्कीम है। आप 10,000 से लेकर 2 लाख आई थिंक 2 करोड़ तक इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, इतना मुझे ध्यान नहीं है, आप एग्जैक्टली लिखना मत नोट्स में, बाकी आप गूगल कर सकते हैं, आपको ज्यादा पढ़ना है, बट फिलहाल ये देखिए कि विकास आशादीप 400 डे स्कीम इज लॉन्च्ड बाय कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक केवीजीबी, यानी जो कर्नाटका से बिलोंग करते हैं उनको तो इसमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, बाकी नेशनल लेवल पे अब कर्नाटका का ये है तो नेशनल लेवल पे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है जी। 11th पॉइंट है, अब ये एक रिपोर्ट है, एक डेटा एक स्टेटिस्टिक्स के हिसाब से वो हम पढ़ रहे हैं, ओवर 40% ऑफ गर्ल्स मैरिड बिफोर द एज ऑफ 18 इन बांग्लादेश। बांग्लादेश किस चीज़ के लिए फेमस है, जूट प्रोडक्शन के लिए फेमस है, है ना। पहले ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, फिर इंडो पाक वॉर हुई, इंडियंस ने बांग्लादेश यानी ईस्ट पाकिस्तान का साथ दिया और बांग्लादेश को अलग कंट्री बनाने में हेल्प की। अब जिसकी कैपिटल राइट नाउ क्या है, ढाका है, तो अब हम उसी बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, इंडिया की नेबर कंट्री है। यहाँ पे एक डेटा, एक जैसे एक रिपोर्ट सामने आई है, एक सर्वे हुआ है, जिसके हिसाब से ये पाया गया कि वहां पे जो लड़कियां हैं टोटल, उसमें से 40% लड़कियों की शादी 18 की उम्र से भी पहले करा दी गई। तो मतलब ये तो काफी पुरानी चीज है, इंडिया में तो ये चीजें आई थिंक काफी हद तक बंद हो गई हैं, बहुत कम ही ऐसे लोग होंगे जो अपने बच्चों को स्पेशली अपनी लड़कियों को ना पढ़ाते हो और कम उम्र में शादी करते हो कोई मजबूरी के तहत। अदरवाइज अगर हम भी अपने आसपास देखें या अगर हम न्यूज में भी देखें, जैसे हम डेटा पढ़ते हैं करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, तो ये चीज सामने नहीं आती है। तो ये बांग्लादेश की बात है, याद रखना है, इंडिया से इसको कोरिलेट मत करना। ये जो डेटा है एज पर बांग्लादेश सैंपल वाइटल स्टेटिस्टिक्स 2022 के अंडर हुआ है, कंडक्टेड बाय बांग्लादेश ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स, राइट। चलिए 12th पॉइंट देखते हैं, अब यहाँ पे कुछ डेज रह गए थे, वो डेज हम कवर करेंगे, राइट। सो डे का नाम है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 2023, 14 जून को ये मनाया गया, टू रेज अवेयरनेस अबाउट द अर्जेंसी ऑफ ब्लड डोनेशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्या जरूरत है हमें पूरी दुनिया में ब्लड को डोनेट करने की, उससे रिलेटेड लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए दिन है कि हमें ब्लड डोनेट करना चाहिए, इन शॉर्ट लोगों को मोटिवेट करना इस चीज के लिए, है ना। और ये कोई बुरी चीज भी नहीं है, आप ब्लड डोनेट करते हैं थोड़ा सा के खा लिया, रेस्ट कर लिया, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता आपकी हेल्थ पे, है ना। थीम इसका क्या रहा, गिव ब्लड गिव प्लाज्मा शेयर लाइफ शेयर ऑफन,
राइट। तो थीम्स आपने याद रखनी है, डेट भूल जाए पर थीम्स नहीं भूलना, क्योंकि आजकल थीम्स ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, राइट। 13th पॉइंट आता है स्क्वैश वर्ड का, कहाँ पे? चेन्नई में। इनॉग्रेशन किसने किया? तमिलनाडु के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं उन्होंने। एंड 8 कंट्रीज आर पार्टिसिपेटिंग इन इट, 8 देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, राइट। 14th पॉइंट हमारा आता है एक सर्टिफिकेशन से रिलेटेड, बट उससे पहले आपको थोड़ा मोटिवेट करना चाहूंगी कि वीडियो के साथ में नोट्स बनाए, काफी ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए प्रूव होंगे। देखिए, अगर आप डेली मेरे साथ नोट्स बनाते हैं तो आपकी बढ़िया सी कॉपी बनकर तैयार हो जाएगी। आपको करंट अफेयर्स के लिए एट द एंड ऑफ मंथ किसी मैगजीन का वेट नहीं करना पड़ेगा कि मैगजीन आएगी और उसके बाद में पढ़ूंगा, है ना। साथ साथ में आप पढ़ सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि वीडियोज कॉन्टिन्यूसली अपलोड नहीं होती है। 2 दिन मेरे फोन का इशू था और उसमें वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही थी बट स्क्रीन एकदम से ब्लैक हो जा रही थी, नहीं हो पा रहा था, तो मुझे नया फोन परचेज करना पड़ा। तो दूसरों के फोन से वीडियो बनाना, अपलोड करना, वो थोड़ा फिजिबल चीज नहीं थी। तो अब नया डिवाइस ले लिया है तो अब वीडियोस फिर से कॉन्टिन्यूसली आएंगी, राइट। चलिए, हम बात कर रहे थे ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट के बारे में। तो एक सर्टिफिकेट होता है ईट राइट स्टेशन, इसका मतलब है कि उस स्टेशन पे जो खाना मिल रहा है बहुत अच्छी क्वालिटी का है, बहुत अच्छा खाना है, ठीक है। तो ये जो सर्टिफिकेट है FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। ये दिया गया है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को, गुवाहाटी असम। क्यों? वही चीज जो मैंने आपको एक्सप्लेन की, फॉर प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी न्यूट्रिशियस फूड टू पैसेंजर्स। जो यात्री हैं इधर से उधर जा रहे हैं, जब स्टेशन पे रुकती है ट्रेन तो वहां पे अच्छी क्वालिटी का न्यूट्रिशियस फूड मिलता है, जो टेस्टी भी होता है और हेल्दी भी होता है, ठीक है जी। अब देखिए, हमारा सेकेंड फेज भी हुआ कंप्लीट। आज हमें थोड़े से ज्यादा पॉइंट्स पढ़ने हैं क्योंकि 2 दिन वीडियोस नहीं आई हैं, प्लस कुछ पॉइंट्स एक दो दिन और भी चलेंगे। मैं कोशिश करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स, जहां जहां से मैं लिखती हूँ, एक भी पॉइंट ना छूटे, ठीक है। तो आप भी थोड़ा प्यार दें वीडियो को, नोट्स बनाएं, एंड ज्यादा बातें ना करते हुए सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट फेज की ओर। आज का 15th पॉइंट है द योगा ब्रेक प्रोटोकॉल इंट्रोड्यूस्ड बाय। अब देखिए, एक प्रोटोकॉल रिसेंटली लॉन्च किया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसका नाम है द योगा ब्रेक पोर्टल। आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा ये रिलीज किया गया है। क्यों? टू हेल्प प्रोफेशनल्स रिलीव स्ट्रेस एंड इम्प्रूव फोकस। होगा क्या, जो भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कंपनीज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, जहां पे हाई प्रोफेशनल वर्क करते हैं, तो उनके लिए क्या होगा? इवन हाई, वैसे जहां से मैंने न्यूज लिखी है ना, वहां पे सिर्फ हायर प्रोफेशनल्स का जिक्र है, बट मुझे लगता है सभी इसमें इनकॉर्पोरेटेड होंगे। उसमें होगा क्या कि आपको 15 से 20 मिनट की एक ब्रेक कंपनी के द्वारा दी जाएगी, जिसमें आपको योगा करना होगा ताकि आपका स्ट्रेस रिलीज हो सके, क्योंकि प्राइवेट जॉब्स होती हैं, वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है, टेंशन बहुत होती है, 9 से 10 घंटे की शिफ्ट होती है, समटाइम्स आपको ओवरवर्क करना पड़ता है। तो उसके लिए स्ट्रेस कम हो जाए, थोड़ा फोकस आपका बन जाए, तो इस सब चीज के लिए ये प्रोटोकॉल रिलीज किया गया है आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा। आयुष में हर एक वर्ड जो है एक प्रॉपर टर्म के लिए रिप्रेजेंट करता है, वो हम फिलहाल नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमें बहुत कुछ पढ़ना है आज के डेट में, तो आप वो चीज सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप मेरे साथ कंटिन्यू बने हुए हैं तो काफी बार मैंने इस चीज का जिक्र भी किया है, राइट। चलिए, 16th पॉइंट देखते हैं WHO अवार्ड। WHO है क्या? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल WHO एक सेरेमनी, मतलब एक सेरेमनी टाइप हुई थी, वहां पे अवार्ड दिया गया, डिफरेंट कैटेगरीज के अंडर दिया गया है, ठीक। एक फेस्टिवल टाइप हुआ था जैसे फिल्म फेस्टिवल है, पढ़ेंगे हम उसके बारे में। तो कैटेगरी क्या थी? हेल्थ फॉर ऑल कैटेगरी, ठीक है। इसमें एक डॉक्यूमेंट्री थी जिसे अवार्ड दिया गया है, जो कि है व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट। ये एक डॉक्यूमेंट्री है जिसे हेल्थ फॉर ऑल कैटेगरी में WHO का अवार्ड दिया गया है एट 4th एनुअल हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल, राइट। तो ये इवेंट था, ये अवार्ड है, ये कैटेगरी है, इस डॉक्यूमेंट्री को दिया गया है, जिनेवा में ये फेस्टिवल हुआ था। आई होप आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा, है ना। नाउ WHO के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। सो इट स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। 1948 7th अप्रैल को बना था, इसलिए वर्ल्ड हेल्थ डे भी सेम डे मनाया जाता है। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में, जहां पे इंटरनेशनल 111th इंटरनेशनल लेवल की लेबर कॉन्फ्रेंस हुई है। पढ़ा ना हमने यहाँ स्टार्टिंग में फर्स्ट पेज में, तो वही है ये, राइट। अब स्विट्जरलैंड में एक बार मैप पे देखें कि एक्चुअल में है कहाँ पे। सारे हेडक्वार्टर्स रट नहीं लेने, जिनेवा स्विट्जरलैंड Washington DC USA, ऐसे नहीं करना। मैप पे देखिए, हमेशा कहती हूँ जहां भी स्टडी कर रहे हैं, वर्ल्ड मैप, इंडिया का मैप साथ में होना चाहिए, राइट। चलिए आगे चलते हैं 17th पॉइंट की ओर। सो द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये एक प्रॉपर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। सो इससे रिलेटेड न्यूज क्या है? दैट इट हैज बीन अवार्डेड विद द एक्रीडिशन ऑफ अति उत्तम ग्रेडिंग। अब कुछ ग्रेडिंग सिस्टम होता है, ग्रेडिंग पैटर्न होता है, अगर आप कुछ अच्छा काम करते हो, कुछ एक्सीलेंस परफॉर्म करते हो किसी फील्ड में, तो ये एक्रीडिशन होता है, मतलब एक प्रॉपर स्टेटस प्रोवाइड करवाना, जैसे हमने पढ़ा मिनी रत्न स्टेटस, महारत्न स्टेटस, नवरत्न स्टेटस, उस तरह से। तो अति उत्तम लेवल की ग्रेडिंग इस
इंस्टीट्यूट को मिली है। अब थोड़ा सा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में जान लेते हैं। तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ये इन दिस फील्ड, इस फील्ड की, राइट। फॉर्मेशन की बात करें तो 1851 ही आपने याद रखना, डेट तो मैंने एज ए लिख दी क्योंकि उसमें गूगल पे था, है ना, थोड़ा सर्च करके जैसे मैं लिखती हूँ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, बट इतना डेट्स वगैरह तो याद करना बहुत प्रैक्टिकल चीज नहीं है, है ना। तो 1851 याद रखना है, हेडक्वार्टर्स कोलकाता में है और यह आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, राइट। अब आगे चलते हैं, 18th पॉइंट देखते हैं। तो फिर से आरबीआई का जिक्र हो रहा है। आरबीआई स्टैंड्स फॉर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। गवर्नर कौन है इसके? शक्तिकांत दास, जिन्हें रिसेंटली अवार्ड मिला है गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 का। फर्स्ट पॉइंट हमारा आज का यही था, राइट। तो अब ये सेंट्रल बैंक है हमारा, तो इसने क्या किया है, आरबीआई ने क्या किया है, इट हैज ओपन इट्स न्यू सब ऑफिस इन, एक अपना सब ऑफिस खोला है कोहिमा नागालैंड में, एंड एक्सपेंडिंग इट्स प्रेजेंस इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन, यानी जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है उसको ज्यादा प्रॉपर तरीके से कवर किया जा सके, इसलिए वहां पे ये एक ब्रांच खुली है, एक सब ऑफिस खुला है आरबीआई का, ठीक है। बाकी आरबीआई की फॉर्मेशन हो गई आपकी और हेडक्वार्टर्स हो गए, सारी स्टोरी जो है वो हम बैंकिंग इन इंडिया बहुत जल्द पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में, तो उसके अंडर मैं कवर करवा दूंगी, ठीक है। राइट नाउ मैंने इकोनॉमिक्स पे काफी फोकस किया है कि वो उसे जल्दी से कवर कर लूँ, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स बोल रहे हैं हमारे एग्जाम्स आ रहे हैं, तो देखिए एग्जाम्स के चक्कर में मैं क्वालिटी तो डिक्रीज नहीं कर सकती ना टॉपिक्स की, पढ़ाऊंगी मैं वैसे ही, बट कोशिश करूंगी कि डेली एटलीस्ट एक वीडियो भी आ जाए तो आपकी काफी हेल्प हो जाएगी, है ना। चलिए 19th पॉइंट देखते हैं, फर्स्ट इंडियन स्टॉक टू टच ₹1 लाख पर शेयर मार्क। इसका मतलब क्या है, देखिए अगर आपको हल्का सा पता होगा शेयर मार्केट होती है, ठीक है, वहां पे शेयर्स को बेचा जाता है, खरीदा जाता है, तो नॉर्मली एक शेयर का प्राइस 10,000, 8,000, 500 भी होता है कई बार, है ना, अलग अलग ब्रांड पे डिपेंड करता है। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई इंडियन स्टॉक है जो 1 लाख एक शेयर, जिसका एक शेयर जो है 1 लाख का हुआ हो, मतलब है ना 1 लाख के अमाउंट तक पहुंचा हो, वो है MRF। टायर्स वगैरह बनाते हैं, है ना, MRF टायर्स तो आपने सुना ही होगा, राइट। अब हम पहुंच गए हैं आज के 20th पॉइंट की ओर। देखिए लास्ट पॉइंट नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आज का वीडियो हल्का सा लेंथी हो सकता है, क्योंकि 2 दिन की कवरेज भी तो करनी है ना, वो एक दिन में तो नहीं कवर हो पाएगा, अदरवाइज इतनी लंबी हो जाती वीडियो। तो 2-3 दिन अब कंटिन्यूसली नए पॉइंट्स भी लाती रहूंगी, पुराने भी लाती रहूंगी, अगले 2-3 दिन में हमारे 5 दिन के हो जाएंगे कवर, है ना। चलिए अब 20th पॉइंट पढ़ने से पहले आपको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि अगर आप डेली के साथ में नोट्स नहीं बना पा रहे किसी रीजन से, तो आप चाहें तो मेरे इन हैंड रिटन नोट्स को परचेज भी कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फाइन, 20th पॉइंट हमारा है दिल्ली यूनिवर्सिटी टू इंट्रोड्यूस। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक नया कोर्स या कह लीजिए एक सेंटर जो है वो डेवलप किया है, इंट्रोड्यूस किया है, विच इज द सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज, जिसमें हिंदू सिविलाइजेशन, हिंदूज की हिस्ट्री, हिंदूज की फिलोसफी के बारे में डिस्कस किया जाएगा, ठीक है जी। अब हमारा देखिए 3rd पेज भी हुआ कंप्लीट, एंड आई होप आप लोग साथ में नोट्स बना रही हैं, हमें ज्यादा मोटिवेट नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी हमें काफी कुछ है पढ़ने के लिए आज के डेट में। सो चलिए सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। आज का 21st पॉइंट है, फर्स्ट जनजातीय खेल महोत्सव कंक्लूडेड इन। पहला जनजातीय खेल महोत्सव, कंक्लूजन का मतलब होता है कि खत्म हो गया, है ना, कंक्लूड हो गया, कंक्लूड कर दिया गया, तो वो भुवनेश्वर ओडिशा में कंक्लूड किया गया, ठीक है। 22nd आता है, फोर्ब्स 2000 ग्लोबल लिस्ट ऑफ पब्लिक कंपनीज वर्ल्ड वाइड। तो फोर्ब्स ने एक लिस्ट रिसेंटली जारी की है पूरे मतलब ग्लोबल लेवल पे, तो उसमें 2000 जो पब्लिक कंपनीज हैं उनकी लिस्टिंग सामने आई है, ठीक है। तो इसके हिसाब से इंडिया में क्या रैंकिंग है वो सब देखते हैं। तो इंडिया का ये 4th नहीं है, ये 45th है ना, 45th है, ये नहीं आपको करेक्ट लग रहा, 45th। सो अब इंडिया के जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, जो कि मुकेश अंबानी की है, उसका रैंक है 45th ओवरऑल इन 2000, मतलब पूरी दुनिया में 45th रैंक है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का फोर्ब्स की लिस्टिंग के हिसाब से, और इंडिया की पहली हो गई, है ना, समझ रहे हैं। सो ये जो फोर्ब्स है ये 4 पैरामीटर्स को यूज करती है, सेल्स, प्रॉफिट्स, एसेट्स एंड मार्केट वैल्यू इस रैंकिंग के लिए, राइट। चलिए 23rd पॉइंट देखते हैं, मंथली पेंशन ऑफ ₹10,000 फॉर पद्म अवार्डीज अनाउंस्ड बाय। जो पद्म अवार्डीज कौन से, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, पद्मश्री है, तो जिन्होंने भी ये अवार्ड अचीव किया है स्टेट में, ठीक है, उन्हें ₹10,000 हर महीने की पेंशन लग जाएगी। कौन से स्टेट ने ये अनाउंस किया है, हरियाणा के जो CM है, चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने, मतलब हरियाणा स्टेट से अगर किसी को जो पद्म अवार्ड्स है इनमें से कोई भी मिला है तीनों में से एक, तो उसे 10,000 पर मंथ पेंशन दी जाएगी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। इसी के साथ एक और फैसिलिटी उन्हें दी जाएगी जो कि है फ्री ट्रैवल फैसिलिटी इन लोकल बसेज, स्पेशली जो वॉल्वो बसेज है ना, इनमें इनको फ्री ट्रैवल फैसिलिटी अपने स्टेट के अंडर प्रोवाइड करवाई जाएगी, ठीक है जी। 24th पॉइंट है, पाकिस्तान स्टार्टेड इम्पोर्टिंग डिस्काउंटेड रशियन क्रूड ऑयल।
पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, वो रिसेंटली रशिया विजिट किया था उन्होंने, वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, उनसे उनकी मीटिंग हुई थी, तो उसके बाद से थोड़ा डिस्काउंटेड रेट पे रशिया का जो क्रूड ऑयल है वो पाकिस्तान जो है इम्पोर्ट होना स्टार्ट हुआ है। पहला शिप अराइव हो चुका है, अंडर एक डील हुई है, इस्लामाबाद मॉस्को डील उसके अंडर, राइट। 25th पॉइंट देखते हैं, सर्बिट्रॉन ट्रॉफी वॉन बाय, ये ट्रॉफी किसने जीती है? एंडी बुरे ने जीती है। और ये ट्रॉफी है किससे रिलेटेड? बैडमिंटन से है, टेबल टेनिस से है, क्रिकेट से है, किससे है? टेनिस से है। अब कौन सी ट्रॉफी किससे रिलेटेड है, ये मैंने आपको टॉपिक ऑफ द डे के अंदर पढ़ाया, जब स्पोर्ट्स वाला सेक्शन पढ़ाया था तो एक पेज पे मैंने एक साइड ट्रॉफीज लिखी थी, एक साइड पे इवेंट या स्पोर्ट लिखा था कि किससे रिलेटेड है, तो वो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है जी, अब हम आगे चलते हैं, अपना 26th पॉइंट पढ़ते हैं। आई नो वीडियो लेंथी हो रहा है, बट थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें, दो दिन रिलैक्स भी तो हुआ ये एक तरह से, है ना। सो 26th पॉइंट है, टू बूस्ट हॉर्टिकल्चर इन HP। हॉर्टिकल्चर होता क्या है? बागवानी, जो फ्रूट्स की कल्टीवेशन है वो हॉर्टिकल्चर के अंडर आती है। जो हम खेती बाड़ी करते हैं फसलें, जैसे सब्जियां होती हैं, जो वेजिटेबल्स, यस वेजिटेबल्स इज द करेक्ट एक्जैक्ट वर्ड, वेजिटेबल्स की जो कल्टीवेशन होती है वो एग्रीकल्चर होती है, फ्रूट्स की जो होती है वो हॉर्टिकल्चर होती है, बागवानी, है ना। तो अब बूस्ट करना है हिमाचल प्रदेश में हॉर्टिकल्चर का ट्रेंड, तो इसके लिए लोन एग्रीमेंट साइन हुआ है इंडिया यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस ADB इन दोनों के बीच में। अब ADB क्या है, काफी बार मैंने पढ़ाया है, ये भी ऑलरेडी डिस्कस किया है, हल्का सा पढ़ लेते हैं। ADB स्टैंड्स फॉर एशियन डेवलपमेंट बैंक, रीजनल डेवलपमेंट बैंक है, मतलब एक क्षेत्रीय स्तर पे काम करता है, है ना। एशियन मतलब एशिया की जो इकोनॉमीज हैं उनको डेवलप करने का इसने काम संभाला है। फॉर्मेशन हुई थी 1966 में और इसके हेडक्वार्टर्स हैं फिलीपींस में, राइट। अब देखिए, आपका इंतजार एक तरह से खत्म हो ही गया है ऑलमोस्ट, हमारा जो है ये है 27th आज का लास्ट पॉइंट। पहले ही मैंने आपको कहा कि कुछ पॉइंट्स बच रहे हैं, वो मैं आगे आगे कवर करती रहूंगी, अदरवाइज बहुत ज्यादा वीडियो लेंथी रिकॉर्ड करना, अपलोड करना, एडिट करना, बिलीव मी बहुत टफ हो जाता है। बट ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दो दिन जो मैंने नहीं पढ़ाया है वो मैं आपको दो तीन दिन में कवर करवा दूंगी, है ना। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कौन सा पॉइंट कल का है, कौन सा पॉइंट आज का है, हार्डली मैटर्स। एक हफ्ते में हमने एक हफ्ते के पॉइंट्स पढ़ लेने हैं, चाहे एक दो दिन आगे पीछे पढ़ने हैं। एग्जामिनर ये तो नहीं पूछेगा ना कि हाँ जी आपने दो दिन लेट पढ़ा, उसको मतलब है आपके एग्जैक्ट आंसर से, है ना। चलिए, लास्ट पॉइंट है एक एक्सरसाइज, एक्स एक्यूवेरियन एक्सरसाइज, किस तरह की है, मिलिट्री है, एयरफोर्स है, नेवल है, तो एक मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और मालदीव्स के बीच में। मालदीव्स कौन से कॉन्टिनेंट में है? एशिया। कैपिटल क्या है? माल। अब देखिए, हमेशा कहती हूँ एक्सरसाइजेस जैसे हम पढ़ते हैं, एक पेज लीजिए उसके इस तरह से परपेंडिकुलर तीन उसके डिवीजन कीजिए, एक साइड पे एयरफोर्स एक्सरसाइज, एक साइड पे नेवल एक्सरसाइजेस और एक साइड पे मिलिट्री एक्सरसाइजेस का नाम, किन दो कंट्रीज के बीच में होती है वो लिखें, फिर आप कभी नहीं भूलेंगे, है ना। चलिए, इसी के साथ हमारा आज के करंट अफेयर्स हुए कंप्लीट, आज के नहीं इवन तीन दिन के करंट अफेयर्स हुए कंप्लीट। आई होप मैंने जो पढ़ाया आपको समझ में आया हो। कोई भी फीडबैक देना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक जरूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सो दैट्स इट एंड सी यू सून।